वंदना रनावत, संजय जी राउत, शिवसेना, कौन सही कौन गलत, इसके बारे में मैं कुछ बात करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। अभी सोशल मीडिया में सब न्यूज चैनल में यही चल रहा है, सही कौन है। कंगना रनावत ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, वो महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र सरकार के, महाराष्ट्र के पुलिस के खिलाफ था। उसका नोट डाउन संजय जी राउत ने किया, संजय जी राउत शिवसेना के खासदार हैं राज्यसभा के, और उन्होंने उसके ऊपर अपना कुछ वक्तव्य दिया। फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो भी उसमें उतर गई, उन्होंने अपना वक्तव्य देना चालू किया। फिर बाद में वो भी जैसे मुंबई आ रहे तो उसको अंदर नहीं आने देंगे, मुंबई में पांव नहीं रखने देंगे, इसलिए शिवसेना ने कर लिया, और अभी उसको बता देंगे इसलिए उसका ऑफिस भी तोड़ दिया मुंबई महानगरपालिका ने। आप देखो ये पूरी घटना में हो रहा है क्या, पूरी घटना में हो रहा है। हर एक का अपना अपना ईगो, आइडेंटिटी, मैं, मेरा। मैं बोलता हूं कि सब तो झगड़े इसकी वजह से हो रहे हैं दुनिया में, मानसिक बीमारी भी इसकी वजह से होती है। मुझे अच्छा नहीं बोला, मेरी आइडेंटिटी, मुझे ललकारा, मुझे मान सम्मान नहीं दिया, मतलब इसके ऊपर ही सब झगड़े चालू है लोगों के। देखो कोरोना इतना चालू है, 89,000 पर डे, कल 89,000 पेशेंट्स निकले कोरोना के पूरे इंडिया में, वहां से लोगों का ध्यान अभी हट गया। और अभी चालू है सही कौन है, कंगना है कि संजय राउत है कि शिवसेना है। फिर और पॉलिटिकल पार्टी उतर गई, कंगना राउत को भी सपोर्ट करने लगी। हर एक जन अपना अपना फायदा यहां से उठाने की कोशिश कर रहा है। नुकसान यह हो गया बाकी लोगों का कि कंगना भी हीरोइन बन गई, कंगना के तरफ लोगों की सिंपैथी आ गई, मगर उसका भी अपना अपना ईगो है। उसने भी उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री, उसको तेरे को मेरे को कर दिया, मतलब इतना लोगों का ईगो, इतना अपसेट्स, और उसके वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। साइकियाट्रिस्ट मैं इतना बोलना चाहता हूं कि भाई अपने ईगो यदि बाजू में रख दिया ना तो सभी दुनिया के झगड़े बाजू हो जाएंगे, सब दुनिया के झगड़े खत्म हो जाएंगे। सिर्फ बोल दिया मैंने ठीक है भाई मेरे से गलती होगी सॉरी, कितने झगड़े, कितनी मारामारी खत्म हो जाएगी। हम एक दूसरे को सॉरी भी बोल, नहीं नहीं मेरी इज्जत का सवाल, मैं कैसे सॉरी, मैंने बोला आपकी गलती है तभी सॉरी बोलो, आपकी गलती नहीं है तभी सॉरी बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सा इज्जत, कौन सा इज्जत का सवाल है, कौन सा ईगो है, कौन सी आइडेंटिटी है, मैं, ये सब चालू है। फायदा डेफिनेटली कंगना रनावत को मिल गया, अभी अगले इलेक्शन में डेफिनेटली वो पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।